तो दोस्तों वेलकम बैक अगेन ऑन माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन रहने वाला है बेसिक मॉर्निंग फिटनेस के ऊपर। तो दोस्तों देख सकते हैं हम 30 मिनट्स में अपने मॉर्निंग सेशन में एक वेल एंड गुड आउटपुट एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं साइड टू साइड ट्विस्टिंग, जो कि हमारे पूरे लैटिसमस और हमारा ऑल ऑब्लिक मसल्स को कवर करता है। इस एक्सरसाइज से हमें अच्छा वार्म अप होने के लिए बहुत ही बेनिफिट मिलता है, साथ ही साथ हमारी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, जिससे कि हमारी होल बॉडी को अच्छा वार्म अप होने के लिए मदद मिलती है। तो दोस्तों नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है हमारी बोथ हैंड सर्किल, जिससे कि हमारा डेल्टोइड मसल्स और हमारे शोल्डर्स में खिंचाव ना हो और हमारे शोल्डर्स फ्री हो जाएं, जिससे कि हमारा जो शोल्डर का मोमेंट है डिसलोकेशन में ना जाकर फ्री मोमेंट में आ जाए। ये भी एक बहुत बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है, जिससे हमारा शोल्डर एंड हमारा एक हैंडल जो है शोल्डर, हमारे हैंड्स, हमारे डेल्टोइड मसल, जिसको कि फ्री होने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ध्यान रहे कि हमारा शोल्डर, हमारे हैंड्स रोटेट होते समय एक फ्लो में काम करते हुए एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारा अल्टरनेट रोटेशन होना चाहिए। इस एक्सरसाइज के बेनिफिट हमारी बॉडी के नेक्स्ट एक्सरसाइज के मोमेंट के लिए फ्री होना होता है। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों साइड टू साइड बैक ट्विस्टिंग, जिससे कि हमारी जो हमारी बैक है, जो हमारे को रेस्ट पोजीशन में हमारी बैक लॉक हो जाती है, इसको फ्री करने के लिए हम इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली करते हैं। दोस्तों साथ ही साथ ध्यान रहना चाहिए कि इस एक्सरसाइज को भी करते समय हमें झटके से एक्सरसाइज नहीं करनी है, इसको हम एक फ्लो में करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी आती है दोस्तों, हमने नीज को अपने एल्बो से टच करना होता है साइड टू साइड। अल्टरनेटिवली हम इस एक्सरसाइज को भी कंटिन्यूसली करेंगे, जो कि हमारी साइड ऑब्लिक मसल्स एंड हमारी ग्लूट मसल्स के लिए बेनिफिशियल होता है, जिससे कि हमारी मसल्स प्रॉपरली फ्री हो जाती हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि हमारी सारी एक्सरसाइज एक फ्लो में ही वर्क करनी चाहिए एंड हमें सारी एक्सरसाइज के कम से कम 20 से 25 रेपिटेशन करने होते हैं, जिससे कि हमारा प्रॉपर मसल्स के लिए आउटपुट मिल सके। तो दोस्तों अगेन हमने स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी एल्बोस को लॉक करते हुए साइड टू साइड ट्विस्टिंग करना है। इसमें भी सेम हमने इसको रिपीट करना है, हमारा जो ट्विस्टिंग मोमेंट है एक फ्लो के साथ होना चाहिए, जिससे कि हमारा बैक, हमारा ओब्लिक मसल्स प्रॉपरली फ्री हो। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है पंचिंग, जिसमें कि हम अपनी मसल्स को, अपनी होल बॉडी को मोमेंट देने के लिए साइड टू साइड पंचिंग स्टार्ट करते हैं। सेम दोस्तों इसमें भी ध्यान देने वाली बात यही है कि हमारा जो ट्विस्टिंग है, बॉडी का जो मूवमेंट है, एक फ्लो में ही काम करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपरली, हमारी मसल्स प्रॉपरली वार्म हो एंड फ्री हो। नेक्स्ट हमने बॉडी को प्रॉपर, हमारी बॉडी का वार्म अप को प्रॉपरली मेंटेन रखने के लिए ऑन द स्पॉट रनिंग स्टार्ट करनी होती है, जिससे कि हमारा बॉडी का वार्म अप का सेक्शन प्रॉपर बना रहे। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों स्टेप बैक जैक्स की तरफ, जिससे कि हमारा लोअर पार्ट एंड हमारा मिड एब्डोमिनल इन्वॉल्व होता है, जिससे कि हमारा एक सेशन कम्प्लीटली एक रिदम पर और टोटली हमारा जो हमारा बॉडी का मसल्स का वर्कआउट है वो बैलेंस रहे और मेंटेन रहे। दोस्तों ध्यान रहे कि हमारा नीज का जो पोजीशन है वो टोटली 90 डिग्री में ही फोल्ड होना चाहिए। We'll be right back.
तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारा स्क्वाट्स आर्म लिफ्ट्स होता है। दोस्तों ध्यान रहे, इसमें भी हमने बॉडी को स्टैंडिंग पोजीशन में ही नीज को फोल्ड करते हुए साइड टू साइड बोथ हैंड्स को रेज करते हुए स्क्वाट पोजीशन में बैठना होता है। ध्यान रहे हमें अपना वेट जो है कन्वर्ट नहीं करना होता है, वेट को मेंटेन रखना होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी जो है ओपन लेग स्प्लिट जंप, जिससे कि हम दोनों हैंड्स को अपने बैक पे लॉक करके हम इसको कंटिन्यूसली करते हैं। देन हम इसको एक्सरसाइज को वैरायटी देने के लिए फॉरवर्ड हैंड एंड साइड स्प्लिट जंप को कंटिन्यूसली रखते हैं, जिससे कि हमारा होल बॉडी वार्म अप प्रॉपरली हो पाए एंड हमारी होल बॉडी को एक्सरसाइज प्रॉपर मिल पाए। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा आता है फॉरवर्ड लेग स्टेप अप जंप, जो कि हमारे कार्डियो मसल्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, जिससे कि हमारा कार्डियो की एक्सरसाइज प्रॉपर मेंटेन रहे। नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है दोस्तों बेसिक पुशअप्स, जो कि हमारा अपर लिम में जो मसल्स हमारी बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स, हमारा पेक्टोरियस मसल्स जिसको इनवॉल्वमेंट मिलती है। साथ ही साथ ध्यान रहे दोस्तों हमें इसके भी कम से कम 20 से 25 रेपिटेशन करने होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा दोस्तों बोथ लेग शूटिंग, जिससे कि हमारी बॉडी में मसल्स के वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद बॉडी में थकान ना रहे, बॉडी में क्विकनेस रहे, इसलिए हमें इसको भी करना ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हमारी फिटनेस को इनक्रीज करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी बर्फी पुशअप्स, जिसको कि हमारा बॉडी को होल बॉडी एक्सरसाइज मेंटेन करने के लिए किया जाता है। ये भी एक बहुत ही बेनिफिशियल एक्सरसाइज होती है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू।